चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए थमा चुनावी शोरगुल, अब उम्मीदवार घर घर जाकर कर सकेंगे प्रचार। निर्वाचन आयोग ने चित्रकूट उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल के प्रकाशन, प्रसारण और संचालन पर लगाई रोक। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में ग्रामीणों की जांच करने रायपुर से पहुंची एम्स की टीम। और भिलाई में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया, अब उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रत्याशी ने जोर शोर से प्रचार किया। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं ली, वहीं अन्य उम्मीदवार भी प्रचार में जुटे रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए 229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान ईवीएम मशीन के साथ ही वीवीपैट का भी उपयोग किया जाएगा। इस उपचुनाव में कुल 1,67,722 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चित्रकूट उपचुनाव में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे। इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाकर ही मतदान किया जा सकेगा। मतदाता केवल मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे, उन्हें फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना होगा। राज्य शासन द्वारा उपचुनाव के लिए चित्रकूट निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों में मतदान के दिन सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों और निजी स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा। चित्रकूट उपचुनाव के तहत 24 अक्टूबर को मतगणना और इसके बाद चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस बार मतगणना कार्य के लिए महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चित्रकूट उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन प्रसारण पर रोक के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार चित्रकूट उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक उपचुनाव के संबंध में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का संचालन नहीं होगा और न ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रसारण किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके से प्रसार पर भी प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रचार के अंतिम दिन 48 घंटे के दौरान प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए चित्रकूट के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए जिला स्तर पर सभी तैयारियां निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने सभी जिलों से आए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश की नगर पालिकाओं में मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या के बारे में पूर्व में ही जानकारी एकत्र कर ली जाए। बैठक में नगर पालिकाओं में मतदाताओं की संख्या, निर्वाचन के लिए उपलब्ध मतदान सामग्री, अतिरिक्त आवश्यक सामग्री, अमिट स्याही की आवश्यकता, मतपत्र के लिए कागज और उपलब्ध वाहनों की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तनकारी चावल प्रजनन पर आयोजित कार्यशाला का आज शुभारंभ किया। कृषि विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान
मंडीला के संयुक्त तत्वाधान में आज से 21 अक्टूबर तक इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर विधायक अनिता शर्मा और मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा भी उपस्थित थे। किडनी की बीमारी से लगातार हो रही मौतों की वजह से सुर्खियों में आए गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में आज जांच के लिए एम्स के डॉक्टर पहुंचे। राजधानी रायपुर स्थित एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर के नेतृत्व में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित 15 लोगों की टीम सुपेबेड़ा पहुंची। इस दौरान गांव में लगाए गए शिविर में 25 मरीजों ने अपनी जांच कराई। इनमें से 15 मरीज किडनी के बीमारी से पीड़ित पाए गए। इसके बाद टीम के सभी डॉक्टरों ने मरीजों के घर जाकर उनके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर ने कहा कि बीमारी के कारणों के बारे में पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। टर्शरी हेल्थ केयर संस्थान है जो कि रेफरल हॉस्पिटल है, तो अगर ऐसे जो भी मरीज हैं जिनको इसका इलाज की जरूरत है, यहाँ से जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के बाद हमारे पास आ सकते हैं, या हमारी भी बीच बीच में टीम यहाँ आके कैंप में जब करेगी तो और भी प्रॉब्लम समझेंगे। इसके अलावा पानी के स्रोत में या सॉइल में कोई इशू है, चाहे हैवी मेटल है, फ्लोराइड है, उसकी जांच पड़ताल एक अलग से एक वो लेवल पे चलेगी। गौरतलब है कि बीते 2 अक्टूबर को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सुपेबेड़ा का दौरा किया था। स्वच्छता की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले छात्रों को दुर्ग में सम्मानित किया गया। हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में 50 से अधिक खिलाड़ियों और छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा भी मौजूद थे। इस दौरान गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी है। मूल रूप से ये हेमचंद तकनीकी विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम आज आयोजित था, वो जो नेशनल लेवल पर बच्चे खेले थे उनको पुरस्कार प्रदान करने के लिए था, और ये अवसर था 150वीं जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, उसमें विभिन्न महाविद्यालयों में स्वच्छता आदि का कार्यक्रम किया गया, उनको भी पुरस्कृत किया गया जो महाविद्यालय पहला दूसरा तीसरा है। ये एक संदेश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी है, भारत की आत्मा गांव में बसती है उसको चरितार्थ करते हुए। तो मूल रूप से आयोजन ये था और उसी में हम लोगों ने बधाई भी दिया, पुरस्कार भी वितरण किया। रायगढ़ जिले के निजी स्कूलों की मान्यता व लापरवाही बरतने के मामले में 90 स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर 1,00,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। जिला के शिक्षा अधिकारी ने संबंध में बताया कि रायगढ़ जिले में 452 निजी स्कूल संचालित हैं। इनमें से 90 स्कूल संचालकों ने अपनी मान्यता नवीनीकरण मामले में जो दस्तावेज लगाए थे वह अपूर्ण थे, जिसको लेकर सभी 90 स्कूल संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। अशासकीय विद्यालय हैं जिनमें से 90 विद्यालयों ने पूरी फॉर्मेलिटी जमा नहीं की है मान्यता के लिए, कुछ में बहुत सारी कमियां हैं और कुछ लोगों ने अभी तक मान्यता ली नहीं है। तो 90 ऐसे स्कूल हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, और यदि वो नहीं करते हैं तो उन पर 1,00,000 रुपये जुर्माना लगाने का हम लोगों ने नोटिस दिया हुआ है। जुर्माने के अलावा ये है कि यदि वो नहीं करते हैं उसके बावजूद भी, नोटिस के बावजूद भी, ये दूसरा नोटिस जा रहा है, पहला नोटिस जा चुका था, पहले दूसरा नोटिस जा रहा है, नहीं करते हैं तो हमारे ज़िले में एक अनुश्रवण समिति है जो मान्यता के संबंध में निर्णय लेती है, उनके समक्ष इनके प्रस्ताव को रखेंगे और उसमें निर्णय करेंगे। राजनांदगांव शहर में एक 6 दिन की बच्ची के पेट में भ्रूण मिलने का मामला सामने आया है।
शहर में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में उपचार के लिए लाई गई बच्ची को जब सोनोग्राफी के लिए भेजा गया तब जांच के दौरान डॉक्टर अमित मोदी को बच्ची के पेट में अविकसित भ्रूण दिखाई दिया। डॉक्टर अमित मोदी का कहना है कि इस तरह के मामले को मेडिकल भाषा में फेटस इन फेटू कहा जाता है, जो करीब 5 लाख जीवित बच्चों में किसी एक के साथ होता है। तो सबसे पहले सोनोग्राफी में मुझे एक बड़ा सा गोला दिखा। गोले को मैंने जब अच्छे से एग्जामिनेशन किया, अच्छे से सोनोग्राफी किया, तो उसमें एक बच्चे मतलब भ्रूण जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा। उसमें जो भ्रूण था वो जीवित नहीं था, उस वो मेल फॉर्म था, मतलब अच्छे से विकसित नहीं था। उसका जो दिमाग था वो भी अल्प विकसित था, उसके हाथ पैर रीढ़ की हड्डियाँ पसली की हड्डियाँ सब दिख रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रूण है। यह एक अत्यंत रेयर केस है, बहुत ही आज तक पूरे विश्व में 200 केसेस ही आज तक नोटिस किए गए हैं और इंडिया में 8 से 10 केसेस मिले हैं। छत्तीसगढ़ का यह शायद दूसरा केस है। डॉक्टर मोदी ने बताया कि भ्रूण को निकालने के लिए बच्ची का वजन 4 से 5 किलो होना जरूरी है, जिसके बाद ऑपरेशन किया जाना संभव होगा। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं एक तरफ जहां खुद का व्यापार शुरू कर न केवल अपने घरों को मजबूत कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। धमतरी शहर से लगे गंगरेल गांव की महिलाएं भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। ये महिलाएं समूह बनाकर उद्योग चला रही हैं। इस उद्योग के माध्यम से अगरबत्ती, वॉशिंग पाउडर, फिनाइल, इलायची दाना, चना, गुड़ की रेवड़ी और पॉपकॉर्न का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि वे सामान बनाने के अलावा इसकी मार्केटिंग भी खुद करती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के जरिए वे आत्मनिर्भर हुई हैं। सत्रह से यहाँ सीआरपी राउंड है इस बिहान में, बिहान के पंचायत के माध्यम से वहाँ महिला मन के आम सभा रखेगी। वहाँ 15 दिन के आम सभा रखीस, वहाँ गेन हमन जानेन बिहान का होते, ओकर उद्देश्य जानेन, समझेन और उमे जुड़ेन बिहान में। बिहान से जुड़े से हमला हमार आर्थिक स्थिति सुधार होइस, जैसे कि लेन देन हमन काकरों कर उधारी मांगन थे कोई 5% 10% भी ना दे नहीं, अब हमार बिहान में हमला 2% में पैसा मिल जाते और बहुत आर्थिक स्थिति में सुधार ऐसे। और एमें हमार सरपंच, गांव के सरपंच के माध्यम से हम आगे बढ़ेन और हमार जिला सीओ है, जनपद है और अदेना आरसीटी से हमला प्रशिक्षण मिलीस। हम लोग खेती का काम करते थे, उसमें आय बहुत कम थे, अब जब हम अगरबत्ती बना रहे तो उसमें आय ज़्यादा है, तो वही काम कर रहे हैं उसी माध्यम। गांव के सरपंच ने बताया कि अब समूह की महिलाओं को बाहर से भी काम मिलने लगा है, जिससे इनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारी जितनी भी समूह की महिलाएं हैं उनमें खुशहाली है। ये काम जो पहले खेती किसानी का काम करते थे और कठोर कठिन काम करते थे, उससे मुक्त होकर यहाँ पे अपने घर से समय निकाल करके जो गृहिणी यहाँ पे काम कर रही हैं, आप लोगों के समक्ष जैसे कि यहाँ पे अगरबत्ती बनाने का कार्य किया जा रहा है, चुनरी बनाने का काम किया जा रहा है, इसमें इन लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई है और इनको अभी इस सब कार्य करने में बहुत ही खुशहाली और तत्परता से ये काम महिलाएं काम कर रही हैं। इस योजना की शुरुआत असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य से की गई थी, अब यह एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। भिलाई में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में आंध्र प्रदेश ने और बालिका वर्ग में तमिलनाडु ने विजेता का खिताब हासिल किया। आज भिलाई में खेले गए फाइनल मैच में बालक वर्ग में आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया, वहीं बालिका वर्ग में तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को हराया। बालक वर्ग के डबल्स मैच में तमिलनाडु विजेता रहा, वहीं पुदुचेरी को उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजयी टीमों को पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी प्रदान की गई।
गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 15 अक्टूबर से भिलाई में किया गया था। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।